देपालपुर प्रसूति महिलाएं एवं शिशु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। देपालपुर विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार किया गया प्रसूति महिला एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 835 लोगों का परीक्षण किया, साथ ही 93 गर्भवती महिलाओं की भी जांच की। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में देपालपुर विधायक विशाल जगदीश पटेल मौजूद रहे। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य शिविर में महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी, जनपद CEO, स्वास्थ्य अधिकारी व महिला बाल विकास अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष ठाकुर, पार्षद नंद किशोर यादव, प्रकाश चैन आदि लोग मौजूद रहे। देपालपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट। जितनी गर्भवती महिलाएं थी अपने देपालपुर क्षेत्र की, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो पैसों की कमी के कारण खुद सोनोग्राफी नहीं कर पाती है, खुद दूसरी जाँच पैथोलॉजी की जाँचें जो होती है वो नहीं कर पाती है। तो आज जो स्वास्थ्य शिविर हम लोगों ने यहाँ रखा है, उसमें हर एक व्यक्ति को कैसे लाभ मिल सके, यहाँ की सभी हमारी आशा कार्यकर्ता और हमारी जितनी भी बहनें हैं वो सभी आई हैं, उनके माध्यम से SDM साहब ने पर्सनली पूरा टेकओवर किया, इसको देखा उन्होंने, खुद ने पर्सनल अटेंशन देकर सब दूर से जिस प्रकार से जो उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों को उम्मीद थी 250-300 महिलाएँ जो देपालपुर के आसपास की महिलाएँ आएंगी, लेकिन हमारी बहनें पूरी संपूर्ण समूचे देपालपुर के क्षेत्र से आई हैं, तो काफ़ी संख्या में है। इस शिविर को देखते हुए ऐसा कहीं ना कहीं जहन में आता है कि हर प्रति महीने में ये होना चाहिए और बड़े स्तर पे हो, ताकि हर एक व्यक्ति को लाभ मिल सके। यहाँ की जो भिन्न सुविधा है, कार्यक्रम आयोजित हुआ है, खास करके प्रसूति महिलाओं का के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, शिविर का आयोजन, लेकिन बहुत संख्या में ऐसी महिलाएं भी आई हैं जो जनरल चेकअप भी करा रही हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं जिनका चेकअप भी हम लोग कर रहे हैं, और जो डॉक्टर्स MY से और CMHO ऑफिस से आए हैं और कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी आए हैं हमारे यहाँ, सोनोग्राफी मशीन के माध्यम से जाँचें भी हो रही हैं, हम लोग न केवल जाँच कर रहे हैं बल्कि दवाएँ भी दे रहे हैं और पैथोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहे हैं। जैसा कि आपने कल भी देखा होगा, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में विधायक जी के निर्देश थे और वरिष्ठ स्तर से निर्देश होने के कारण हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का वहाँ भी आयोजन किया था और 800 से अधिक लोगों को चेकअप किया। बहुत सारे ऐसे लोग निशक्त जन थे जिनका मेडिकल बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी इशू किए हैं और मौके पे ही निराकरण किया गया है। दवाइयाँ तो हम लोग दे ही रहे हैं, तो उद्देश्य ये है कि लोकल लेवल पे जाकर के लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, और उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। जैसा कि निर्देश हुआ है कि और छोटे लेवल पे जाकर के हम लोग इस तरीके के कैंप्स का आयोजन करें, तो भविष्य में हम लोग गौतमपुरा, बेटमा, घाटा, बिल्लौद जैसी जगहों पे भी इस प्रकार के कैंप आयोजित करेंगे और अधिक से अधिक ग्रामवासियों को उनके घर के आसपास सुविधा मुहैया करा सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास होगा।